हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इंडिया में महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है एटापल्ली, जहाँ पे वेब थ्री के थ्रू काफी चीजें हो रही हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होके वहाँ पे वेरीफाई आप कर सकते हो वेब थ्री के थ्रू। क्या है पूरी स्टोरी, कल हम लोगों ने ट्विटर में आप लोगों के साथ शेयर करी थी, बट आज आपको वो एक्सप्लेन करते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे वो करा जाएगा। उसी के साथ साथ मार्केट का भी हाल देख लेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर और देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आके आपके कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके ये बोले कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तुमसे बच के रहना, वो सारे के सारे स्कैमर्स हैं। किसी भी सोशल मीडिया से कभी भी हम आपसे कनेक्ट नहीं करते, एंड किसी को भी आपने अपने क्रिप्टो सेंड नहीं करने। किसी को अगर आपने अपने क्रिप्टो सेंड करे तो ये समझ लीजिए वो क्रिप्टो आपके हाथ से चले गए, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, कोई भी उनको रिकवर नहीं करवा पाएगा। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसने 75% ऑफ देयर बिटकॉइन जितने भी उनके पास थे उन्होंने सेल ऑफ करे थे इन Q2 2022, एंड उसका असर कल कहीं ना कहीं देखने को मिला था। पीपल वर नर्वस, पीपल वर थिंकिंग कि क्या होगा आगे। एंड जैसे हमने आपको बताया था, यस ये न्यूज का इम्पैक्ट कल के दिन पड़ा था, बट एक दो दिन से ज्यादा वो सर्वाइव नहीं करेगी, एंड वही हुआ मार्केट में। आज की डेट में मार्केट अगेन ऊपर है। क्यों ऊपर है? बहुत सारी चीजें हो रही है इन क्रिप्टो करेंसी, स्पेशली विद इथेरियम, स्पेशली विद पॉलीगन मैटिक। ये दो क्रिप्टो ऐसे हैं करेंटली इन दी मार्केट जिसमें कहीं ना कहीं पूरी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स की नजरें टिकी हुई हैं। वो देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें होंगी। E2.0 जो सेप्टेम्बर में आने वाला है उसकी तरफ भी लोग देख रहे हैं, पॉलीगन मैटिक में जो सारी चीजें हो रही है वो भी लोग देख रहे हैं। इसी के साथ साथ जो न्यूज हमने आपसे बात करी थी जिसके बारे में ये वीडियो, उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। एक बार फटाफट मार्केट देख लेते हैं, फिर डायरेक्टली चलते हैं वो न्यूज के ऊपर, क्या हुआ है महाराष्ट्र में एंड व्हाई इज इट सच अ बिग न्यूज। तो साइड में आप देख सकते हो क्रिप्टो मार्केट करेंटली जो ग्लोबल मार्केट है वो अप है 3.5%, BTC इज अप 1.9%, ETH इज अप 7.9%, यहाँ पे आप थोड़ा और नीचे आते हो, पॉलीगन मैटिक अगेन अप 4.1%। जो काफी लोग कल नर्वस थे वो बोल रहे थे कि सर बहुत ज्यादा मार्केट गिर गया, बट जैसे हमने आपको कल बोला था कि जो टेस्ला की न्यूज है वो एक्चुअली में पुरानी है, उसका जितना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था मार्केट में वो ऑलरेडी पड़ चुका होगा, बिकॉज वो Q2 में वो सेल ऑफ हुआ था, कल के डेट में वो सेल ऑफ नहीं हुआ। तो यस, बट न्यूज निकल के कल सामने आई है इसलिए काफी नर्वस इन्वेस्टर्स थे कल मार्केट में। आज यहाँ पे मार्केट अगेन एक यू टर्न ले रही है, पीपल आर अगेन हैप्पी, पीपल आर अगेन लुकिंग इनटू द क्रिप्टो मार्केट, क्या क्या चीजें उसमें और हो रही है। इसी के बीच में एक न्यूज आई है फ्रॉम एटापल्ली। एटापल्ली एक छोटा सा टाउन है इन महाराष्ट्र, तो एटापल्ली से न्यूज आई है। एटापल्ली आप साइड में देख सकते हो, एक छोटा सा विलेज है इन महाराष्ट्र। सो एटापल्ली में ज्यादा डेंसिटी नहीं है, ज्यादा लोग नहीं रहते एटापल्ली में, बट जितने भी लोग रहते हैं यस वहां पे कहीं ना कहीं कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई दैट दिस पर्सन बिलोंग्स टू वन स्पेसिफिक कास्ट, एंड वो जाके वो कास्ट सर्टिफिकेट आगे देता है, जो भी उनके एम्प्लॉई है उनको देता है। आज के टाइम में वेरिफिकेशन प्रोसेस जैसा कि चलता आ रहा है सरकार में वैसा ही चलता है, बट यस जब से यहाँ पे शुभम मित्तल जी आए हैं, शुभम मित्तल जी कौन है उसके बारे में भी बात करेंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं वेब थ्री को लेकर आए हैं इस पूरे प्रोसेस में। कैसे वो लेकर आए हैं वो प्रोसेस भी बताते हैं। पहले चलते एक बार शुभम गुप्ता जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो साइड में आप देख सकते हो रिगार्डिंग शुभम गुप्ता जी, एंड ये इनका लिंक्डइन का प्रोफाइल है, यहाँ पे लिखा है ई गवर्नेंस ऑन वेब थ्री, महाराष्ट्र पायनियर्स, इंडिया नेक्स्ट टेक फ्रंटियर। एंड यहाँ पे शुभम गुप्ता जो कि IAS ऑफिसर है बैच ऑफ 2019, करेंटली असिस्टेंट कलेक्टर एटापल्ली एंड प्रोजेक्ट, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लेकर आ रहे हैं वेब थ्री का सारा वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। अब ये कैसे होगा अगर आपको शॉर्ट में बताएं तो यस ये कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं ब्लॉकचेन और पॉलीगन मैटिक। पॉलीगन मैटिक अगेन उसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं, कल हमने ट्विटर में रीट्वीट भी करा था रिगार्डिंग दिस न्यूज, जो कि पॉलीगन मैटिक के लिए भी बहुत बड़ी न्यूज है। आज के डेट में जब कास्ट सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं वो पार्ट नहीं छेड़ा गया है यहाँ पे, वो वैसे ही रहेगा जैसे आप जाते हो ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हो या जाके आप फॉर्म भरते हो, एंड आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट दे दिया जाता है दैट यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कास्ट, एंड वो कास्ट सर्टिफिकेट लेके आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हो एंड उनको आप थमा देते हो अलॉन्ग विद एवरीथिंग एल्स जो भी आपने फाइल करना है फॉर योर जॉब। वहां के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इस प्रोसेस में क्या है, जो भी डिटेल है ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रीब्यूट करे गए, तो उस कास्ट सर्टिफिकेट में होता था एक डिजिटल सिग्नेचर, बट अब वहां पे होगा एक QR कोड। वो QR कोड कहां से आएगा पहले डिटेल में बात करते हैं। जब किसी को एक कास्ट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, सो फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए गोस एंड फाइल्स फॉर अ कास्ट सर्टिफिकेट, उसको कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है, बट उसी के साथ साथ वो पर्सन ए की जितनी भी डिटेल है, जो मेजर डिटेल्स है, वो कहीं ना कहीं अपलोड करी जाएगी एज हैश इन पॉलीगन मैटिक ब्लॉकचेन, एंड वहां से उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। वहां से QR कोड आएगा जो सर्टिफिकेट में भी प्रिंटेड होगा। जब भी वो सर्टिफिकेट प्रिंट आउट लेके वो आदमी किसी के पास जाएगा फॉर एम्प्लॉयमेंट, वहां पे वो QR कोड स्कैन कर सकते हैं, एंड ये स्कैन होगा थ्रू डैप्स, जो कि बिल्ड होगा अगेन
ओनली फॉर दिस वेरिफिकेशन। अब इस सर्टिफिकेट जो दिया गया है उसमें से तीन चार ऐसी चीजें निकाल के आपको अपलोड कर दिया जाएगा एज अ हैश इन पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन। हैश में कुछ भी चीज आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार वो अपलोड हो गया तो अपलोड हो गया, उसमें जो भी डिटेल है वो एज इट इज रहेंगी, उसको कोई भी छेड़ नहीं सकता, कोई भी उसके साथ कुछ भी चीज नहीं छेड़छाड़, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता उसमें बेसिकली। सो व्हेन यू गेट दैट सर्टिफिकेट, एंड वो फॉर्जरी के लिए बेसिकली बनाया गया है पूरा सिस्टम। ऑल्दो ऐसी कोई न्यूज सामने नहीं आई है, बट एज अ प्रिकॉशनरी मेथड जो है ये इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। यहाँ पे जो चीजें होंगी वो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट में आप अगर कुछ भी आप छेड़छाड़ करते हो एंड आप अपने एम्प्लॉयज के पास जाते हो, वो अपने डैप्स के थ्रू आपकी सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू दैट QR कोड जो आपके सर्टिफिकेट में होगा उसे स्कैन करके वेरीफाई कर सकता है कि यस दिस इज द पर्सन और नॉट। उसमें अगर छोटा सा भी छेड़छाड़ होगा तो वो कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा एंड पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वंस दैट प्रोसेस इज डन एंड वो वेरीफाई हो जाता है कम्प्लीटली तो यस एवरीथिंग इज फाइन। एंड यही सारी चीजें कहीं ना कहीं लाई जा रही है इन वेब 3। महाराष्ट्र जो है फर्स्ट स्टेट बना है एंड वो कहीं ना कहीं स्टार्ट कर रहा है ये सारा चीजें, ये सारी प्रोसेस ऑन पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन। बहुत ही अच्छा चीज है। इसमें आप आगे क्या क्या चीजें हो सकती है उसके बारे में भी शुभम मित्तल ने कहीं इंटरव्यू में बताया था कि बहुत और चीजें भी इसमें हम डेवलप करने की सोच रहे हैं, नॉट ओनली द कास्ट सर्टिफिकेट बट ऑल्सो अदर थिंग्स। बट ऑब्वियस सब चीजों को टाइम लगता है, एकदम से सारी चीजें लॉन्च नहीं होगी, एकदम से सारी चीजें तैयार नहीं होंगी, बट एटलीस्ट देर इज एन इनिशिएटिव, एटलीस्ट देर इज सम पर्सन हु इज लुकिंग इनटू कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं इन वेब 3। तो यहाँ पे आप साइड में न्यूज आर्टिकल पढ़ भी सकते हो, महाराष्ट्र टू यूज पॉलीगॉन ब्लॉकचेन टू इशू वेरीफाइएबल कास्ट सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन करा गया एंड पूरे आर्टिकल का लिंक हम नीचे दे देंगे। एंड यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन करा गया है मोर देन 70% ऑफ द पीपल इन दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट आर ट्राइबल व्हिच मींस मोस्ट ऑफ देम रिक्वायर अ कास्ट सर्टिफिकेट। ये बताया नील मार्टिस ने जो कि co-founder है ऑफ लेजिट डॉक टोल टू indianexpress.com। एंड इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू गवर्नमेंट फंडेबल बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स कास्ट सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड। एंड कहीं यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ ना हो, कहीं कोई फॉर्जरी ना हो, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ये चीज लॉन्च करी जा रही है एंड दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। जहां पे वो हैश डेटा जो कि पॉलीगॉन मैटिक के ब्लॉकचेन में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर अ पर्सन टू वेरीफाई इट। वो पर्सन बहुत इजीली वो QR कोड स्कैन करके वेरीफाई कर सकता है द डेटा विच ही हैज रिसीव्ड। जब वो प्रिंट आउट लेके जाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट का तो वहां पे वो वेरीफाई करने के लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, उन्होंने खाली QR कोड जो है वो स्कैन करना है थ्रू दैट ऐप्स एंड वो पूरी की पूरी चीजें एग्जैक्टली उनके सामने आ जाएगी। उसमें थोड़ा सा भी अगर फेरबदल होगा तो कहीं ना कहीं वो फॉल्स डॉक्यूमेंट है एंड पीपल नो कि उसमें क्या करना है। ये सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है एंड यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है। तो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो एक फॉर्म सी जो दिया जाता है एज अ कास्ट सर्टिफिकेट, अभी तक जो दिया गया है साइड में आप देख सकते हो एक डिजिटल सिग्नेचर वहां पे होता है जो लोग इसको प्रिंट आउट करके कुछ भी चीज जहां पे वो एप्लीकेबल है वहां पे वो दे देते हैं, चाहे वो फिर सब्सिडियरी के लिए हो या कोई ऐसी जॉब हो जो स्पेसिफिक उस कास्ट के लिए हो, तो वो वहां पे वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। इसको वेरीफाई करना ऑब्वियसली काफी मुश्किल होता था, बट नाउ आप यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो पूरा सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट वैसा ही है, डिजिटल सिग्नेचर भी है बट नीचे की साइड में एक QR कोड है। यहाँ पे लिखा है दिस इज अ ब्लॉकचेन पावर्ड कास्ट सर्टिफिकेट टू वेरीफाई दी सेम विजिट। यहाँ पे आपको पूरा वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, स्कैन और कोड बाय क्लिकिंग स्कैन टू वेरीफाई एंड क्रॉस चेक द डिटेल शोन इन द पोर्टल विद द सर्टिफिकेट। ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट कोई स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है फॉर दीज काइंड ऑफ इनोवेशन इन इंडिया। कई लोग ये थे अभी तक जो बोल रहे थे यार क्रिप्टो करेंसी का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या यूज होगा, क्या उसमें फर्दर डेवलपमेंट होंगे। This is one of the things जो बहुत निकल के सामने आ रही है and this is actually very good। कोई तो है जो initiative ले रहा है, कोई तो है जो कहीं ना कहीं introduce कर रहा है ये सारी चीजें and this shows the utilization of cryptocurrency, this shows the utilization of a blockchain। पॉलीगॉन मैटिक का यूज हो रहा है, पॉलीगॉन मैटिक वैसे ही हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं एवरी इन्वेस्टर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू पॉलीगॉन मैटिक, उसमें क्या क्या चीजें हो रही है एंड पॉलीगॉन मैटिक आई एम वेरी श्योर कि आगे जाके काफी अच्छे रिटर्न हम सबको दे सकता है। क्या क्या उसमें चीजें चल रही है ये हम आपको बार बार बता रहे हैं, हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं पॉलीगॉन मैटिक निकल के सामने आ रहा है। करेंटली रैंक्ड एट नंबर 12, यस कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि वो रैंक नंबर 10 या टॉप 5 में बहुत इजीली आ सकता है। लेट अस सी आगे जाके क्या होगा। आज की डेट में हम खाली ये बोल सकते हैं कि पॉलीगॉन मैटिक जो काम कर रहा है वी कैन इजीली सी दोज नंबर्स, वी कैन इजीली सी पॉलीगॉन मैटिक कमिंग अप इन दी रैंक्स जो हम चाहते हैं, जहां पे वो पहुंचे वहां पे वो बहुत इजीली पहुंच सकता है।
आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों के क्या थॉट्स है रिगार्डिंग पॉलीगॉन मैटिक एंड रिगार्डिंग दिस न्यूज, स्पेसिफिकली दिस न्यूज, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि इंडियन गवर्नमेंट में काफी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, ये सारी इनोवेशन कर रहे हैं। आगे भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं लाइक दिस, ये बताया शुभम गुप्ता जी ने, बट यस इनिशिएटिव लेने में एंड काम करने में टाइम जरूर लगता है। हम सबको पता है आज एक डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ है, कल अगर पूरी कंट्री इसमें आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या होगा आगे जाके, ओनली द टाइम कैन टेल। आज का वीडियो बस गाइस इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।